दोस्तों, खाना बनाने के लिए हम महंगे से महंगे बर्तन तो खरीद कर ले आते हैं, लेकिन उनमें खाना बनाते बनाते वो हो जाते हैं गंदे और चिपचिपे। अब इनको साफ करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम इनको फेंक भी नहीं सकते और हमें साफ करना भी नहीं आता। तो आप चिंता मत कीजिए, आज हम घर पर ही नॉन स्टिक बर्तन को साफ करके एकदम नए जैसा चमकाएंगे। दोस्तों, हमारे फ्राई पैन की हालत कुछ ऐसी हो गई है, आप देख सकते हैं ये अंदर से तो एकदम ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ से बिल्कुल गंदा और चिपचिपा हो गया है। तो आज हम इसी को करेंगे बिल्कुल नया जैसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिम्मी की मैजिक में। जिंदगी को सरल बना लो मिम्मी की मैजिक के साथ। दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेकिंग सोडा, जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं। यह सफाई में इतना कारगर है कि आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो हमें थोड़ा सा चाहिए बेकिंग सोडा। दोस्तों, दूसरी चीज है पीताम्बरी। पीताम्बरी की तो सफाई में कहने ही क्या है, ये तो जादू कर देती है। ये 20 से 25 रुपए की किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगी, आप इसको लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें चाहिए वेनिगर। वेनिगर भी हमारा सफाई में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके पास में वेनिगर नहीं है तो आप नींबू भी ले सकते हैं। नींबू और वेनिगर सफाई में बिल्कुल दोनों एक जैसा ही काम करते हैं, कोई भी अंतर नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। दोस्तों, हमने यहाँ पर एक सीख दुरुन्दर चीजें ले ली हैं, जिनके इस्तेमाल करने पर इनका रिजल्ट आपको चौंका देगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है और कटोरी में तकरीबन 2 चम्मच मैंने पीताम्बरी निकाल ली है। उसके बाद में थोड़ा सा डाला है बेकिंग सोडा, तकरीबन 1/2 चम्मच। अब हम यहाँ पर वेनिगर के बदले डाल रहे हैं लेमन जूस। मैंने 1 चम्मच लेमन जूस डाल दिया है और अब हम इन तीनों को मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके से झाग आने लग गए हैं। बस इसी तरीके से ये हमारे फ्राई पैन से गंदगी को फुलाकर साफ करेगा और हमारा फ्राई पैन एकदम से चमक जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, हमें फ्राई पैन को उल्टा कर लेना है और उस पर ये पेस्ट अप्लाई कर देंगे। इस पेस्ट को हम धीरे धीरे चारों तरफ अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर यह अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देगा और हमारा फ्राई पैन कुछ इस तरीके से साफ होने लग जाएगा। और उसके बाद में कोई भी स्कॉच ब्रश लेना है एकदम नरम सा। दोस्तों, ध्यान रखें कि तार वाला यानी स्टील वाला जूना नहीं लेना है। अगर हम यहाँ पर स्टील वाला जूना लेंगे तो हमारे फ्राई पैन पर स्क्रैच हो जाएंगे, तो ध्यान रखें हमें सॉफ्ट वाला स्कॉच ब्रश ही लेना है। अब हम स्कॉच ब्रश से रगड़ने के बाद में पानी डालकर साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद में दोस्तों, मैं इसको तौलिए से पोंछ कर आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये एकदम से बिल्कुल नए जैसा हो गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस पर जो दाग लगे हुए हैं ये एक बार में पूरी तरह से नहीं जाएंगे। अगर हम इसको ज़्यादा रगड़ेंगे तो इससे कलर निकल जाएगा और स्क्रैच हो जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि हम इसको इसी ट्रिक से 2-3 बार में साफ करेंगे तो बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।